क्या आप जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु ग्रह को समर्पित है। आज हम आपको बताएंगे कुछ खास उपाय जिनसे आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को प्रबल बना सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। ग्रहों की स्थिति के अनुसार उतार चढ़ाव आते हैं और ग्रहों का प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है। कुंडली में जिसके ग्रह मजबूत है उसके यहाँ सब सुख सुविधाएं, संपन्नता, ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, और जिसके ग्रह कमजोर हैं उसे हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देव गुरु बृहस्पति एक बहुत प्रबल ग्रह है, जो कि यदि प्रबल है, मजबूत है, तो हमारे यहाँ पर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। और यदि गुरु कमजोर है, ऐसे में कई जगहों पर हमें बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चाहिए कि देव गुरु बृहस्पति को हम प्रसन्न करें। हम यदि देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सुख सुविधाएं, संपन्नता, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है उन्हें गुरुवार के दिन व्रत आवश्यक रखना चाहिए। इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना भी शुभ माना जाता है। पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करने से भी गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, बृहस्पति महाराज को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम हमारे स्नान के जल में, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी का प्रयोग करें। रोज ना कर पाए तो गुरुवार के दिन विशेष करें। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। गुरुवार का व्रत धारण करें। गुरुवार को व्रत रखें, उसमें पीले भोजन का सेवन करें, पीले पदार्थों का सेवन करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। पीले पदार्थों का सेवन करें, व्रत रखें गुरुवार का तो लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। शास्त्रों में कमजोर ग्रहों की शांति के लिए दान का सबसे उपयोगी उपाय माना गया है। गुरु ग्रह की शांति के लिए गरीबों का धन, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही केसर का दान भी गुरु ग्रह का प्रबल बनाने के लिए बहुत लाभकारी है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है और विवाह में देरी हो रही है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विविधता पूजा अर्चना करें। इससे न केवल विवाह संबंधी समस्याएं दूर होंगी बल्कि गुरु ग्रह भी मजबूत होगा। दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विविधता पूजा अर्चना करें। इससे न केवल विवाह संबंधी समस्याएं दूर होंगी बल्कि गुरु ग्रह भी मजबूत होगा। गुरु ग्रह को प्रबल बनाने के लिए मंत्र जाप सबसे श्रेष्ठ उपाय माना गया है। गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम गौ सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप 3, 5 या 16 माला अवश्य करें। इसके अलावा ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः और ओम ह्रीम नमः मंत्रों का भी जाप करें। इन मंत्रों से गुरु ग्रह की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो भगवान देव गुरु बृहस्पति का ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पते नमः यह मंत्र का जाप करें। और पीले पुष्पों का भगवान को अर्पण करने का प्रयास करें। पीले पुष्प चढ़ाएं, भगवान को केसर युक्त जल चढ़ाएं, केसर का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, पीले वस्त्रों का धारण भी करें। ऐसा करने से हमारी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और बृहस्पति से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो ये थे कुछ खास उपाय जिनसे आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को प्रबल बना सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। लोकल 18 के लिए उज्जैन से शुभम मर्मट की रिपोर्ट।